सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय गणित। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है सेट्स, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चन समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ साथ करने की कोशिश करना। तो ध्यान पूरा सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। समुच्चय यानी कि साइड्स पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए तो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसका। समुच्चय ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स जो है वो है 1, 4, 9, 16, 25... को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए कोई सेट है या समुच्चय है, उसको हम दो रूप में लिख सकते हैं। एक तो रोस्टर रूप में, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में, जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समुच्चय को हम दो रूप में लिखते हैं, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये जो ऊपर दिया हुआ है सेट, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इसको। ये जो ऊपर सेट दिया हुआ है बच्चों, यहां पर ये जो सेट दिया गया है, ये कौन से रूप में है? रोस्टर में है या फिर समुच्चय निर्माण में है? सोच के देखिए जरा। जब आपको एलिमेंट्स दिखे आपको क्या दिखे? एलिमेंट्स दिखे, इसको क्या कहते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो यहां पर हमको रोस्टर रूप में दिया हुआ है, ये कह रहे हैं रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण रूप में हम एक परिभाषा देते हैं और उस परिभाषा के अकॉर्डिंग वो परिभाषा सभी एलिमेंट्स पे जो है फिट बैठनी चाहिए। वो परिभाषा जो है सभी एलिमेंट्स पर क्या बैठनी चाहिए? फिट बैठनी चाहिए। ठीक है, तो एक परिभाषा देंगे हम इसके लिए और देखते हैं क्या वो सब पर फिट बैठती है या नहीं बैठती। तो देखें A इज इक्वल टू लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हमें ऊपर लिखा हुआ क्या मिल रहा है? 1, 4, 9, 16, 25 ये इसके एलिमेंट्स हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9 को मैं लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर 16 को मैं लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप? 1, 2, 3, 4, 5 क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और उनका क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है। बस हमें समझ में आ गया। तो ये n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? देखो दो तीन तरीके से लिख सकते हैं, बस आप किसी भी तरीके से लिखें। ध्यान दीजिए कि जो भी आप डेफिनेशन दे रहे हैं वो इस पर फिट बैठनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए उसमें। जैसे मैं लिख सकता हूँ समुच्चय निर्माण रूप में कि ए के अंदर कोई एलिमेंट है एक्स, ए के अंदर कोई एलिमेंट है एक्स। अभी इस एक्स की परिभाषा देंगे हम कि ये एलिमेंट क्या है। तो एक्स कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब इनमें से किस एक बात क्या फिट बैठ रही है सब पे? कि एक्स क्या है? एक्स एक्स है सच दैट एक्स क्या है? एक्स कोई एक प्राकृतिक संख्या है, उसका वर्ग है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, संख्या का वर्ग है। तो देखिए ये बात सब पे फिट बैठ रही है ना। अगर मैं इसको नंबर को लेता हूँ, 9 को लेता हूँ, तो 9 पे क्या बैठ रहा है? ये 3 का वर्ग है। बात सही बैठ रही है कि प्राकृतिक संख्या 3, उसका वर्ग है, बिल्कुल सही है। तो डेफिनेशन फिट बैठनी बहुत जरूरी है। मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कुछ बच्चे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जिन्होंने ये लिखा, वेरी गुड। जिन्होंने जिन्होंने इसको ऐसे लिखना चाहे, एक्स
सच दैट एक्स कोई एलिमेंट है, ठीक है, और एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है एन स्क्वायर, और एन एन क्या है, जहां एन क्या है, प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मतलब इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, एन का स्क्वायर मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है, ये वन का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, है ना, तो एन का स्क्वायर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम इन दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, नोट डाउन करेंगे इसका आंसर, या तो ये दोनों में से कोई सा भी आंसर आप इसका लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, फिर से आपको रोस्टर रूप में दिया हुआ है एक समुच्चय और आपको उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। चलिए सोचिए समझिए दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और 2 मिनट बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में करवाऊंगा, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन ये रहा, आपको क्या करना है, एक सेट दिया गया है उसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। सेट जो है वो है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7, ये सेट के एलिमेंट्स हैं। जरा जल्दी से करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको देखने को मिल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समुच्चय को नाम देते हैं भाई, समुच्चय को नाम देते हैं, बात सभी जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, समुच्चय को नाम देते हैं, तो हम उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, है ना, तो हम इसको मानते हैं, माना ये जो समुच्चय हमको दे रखा है रोस्टर रूप में ये ए है, ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, आई होप काफी बच्चों ने पकड़ लिया होगा बात को, बट देखो जिसने नहीं समझा मैं उनको समझाता हूँ। 1/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 6/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ इसको, जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, है ना, आई होप इट इज राइट। 1/1 + 1 2 बन जाएगा, 2+1 3 बन जाएगा, 3+1 4 बन जाएगा, 4+1 5 बन जाएगा, तो मतलब लिख सकते हैं, है ना, तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए मैं एक डेफिनेशन बनाऊ, मुझे क्या करना होता है, समुच्चय निर्माण रूप में एक परिभाषा बनानी होती है जो कि क्या हो, सब पर फिट बैठनी चाहिए। तो परिभाषा में किस तरीके से बना रहा हूँ, देखो ए है कोई समुच्चय, उसके अंदर एक एलिमेंट है एक्स, एक्स कोई सा भी एलिमेंट होगा उसके कॉमन लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर मुझे दिख रहा है एन अपॉन एन प्लस वन, देख रहे हैं आप, ये कोई प्राकृतिक संख्या है और उसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया, ये इसमें एक जोड़ दिया, ये इसमें एक जोड़ दिया, तो मैं इसको एन अपॉन एन प्लस वन के रूप में लिख सकता हूँ, सबका रूप मुझे वैसा ही दिख रहा है एन अपॉन एन प्लस वन, है ना, तो एन अपॉन एन प्लस वन। अब मुझे एन के बारे में भी बात करनी है, एन प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और एन का मान कहां से कहां तक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 1 से 6 तक, इस तरीके से लिखेंगे आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। भाई ये देखिए हमने दो प्रकार के परिमित और अपरिमित समुच्चय पढ़े हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ये कौन सा वाला है, ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है सिर्फ। अगर जैसे पिछला हमने पढ़ा था, इसमें क्या है, इसमें पता नहीं हमको कितने एलिमेंट है, 25 के बाद फिर 36 आ जाएगा, फिर इस तरीके से 49 आगे चलता रहेगा, तो ये अपरिमित समुच्चय है।
यहाँ पर हमको जो मिला है परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने समुच्चय कितने कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो बताना पड़ेगा। तो एक से लेकर छह तक है इसमें, ये हमको बताना पड़ेगा एन की वैल्यू। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से नोट डाउन करें, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सोच करके दिमाग लगाना है, इसमें मैं आपको टाइम दूंगा क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? क्वेश्चन को सुनेंगे। क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है, आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग, है ना? बचपन में करते थे ना मैच द फॉलोइंग, तो वही मैच करना है आपको, ठीक है? दो कॉलम दिए गए हैं इधर, ठीक है? पहले मैं इधर वाले कॉलम के वर्ड लिख रहा हूँ। इधर वाले कॉलम में आपको रोस्टर रूप में दिए गए हैं सब चीजें, रोस्टर रूप में समुच्चय दिए गए हैं पी आर आई एन सी ए एल। सेकेंड है जीरो, थर्ड है एक दो तीन छ नौ अठारह, फोर्थ है थ्री कॉमा माइनस थ्री, ठीक है? ये तो हो गए लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ए एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है तथा तथा 18 का भाजक है। बी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। सी एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और x प्लस वन इज इक्वल टू वन और d x सच दैट x शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। चलिए चार ऑप्शंस हैं आपके पास और दोनों तरफ चार चार चीजें लिखी हुई है। एक तरफ समुच्चय आपको रोस्टर रूप में मिल रहे हैं, एक तरफ आपको सेट बिल्डर फॉर्म में मिल रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में। आपको एक तरह एक जगह से दूसरे जगह का मिलान करना है। टाइम मैं आपको देता हूँ इसके लिए 4-5 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, ठीक है? छोटा सा टाइमर यहाँ पर चल रहा है, इसको फॉलो कीजिए। चलिए तो 3 मिनट का टाइम देते हैं आपको, चलो 3 मिनट का टाइम देते हैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर 3 मिनट में हो जाए तो ठीक, नहीं तो 1 मिनट और बढ़ा देंगे। 4 मिनट में 4 क्वेश्चन आप करके दिखाइए। थोड़ा सा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, कौन सी परिभाषा किस पर फिट बैठ रही है ये चेक करने की कोशिश आप करें तो आंसर इजीली आ जाएगा। चारों के चारों पार्ट्स। चलिए डियर स्टूडेंट्स, सो सॉल्यूशन बताते हैं आपको, ठीक है? चलिए तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, पी आर आई एन सी ए एल। अब ऐसा तो हमको कोई वर्ड समझ में आता नहीं, बट हमारा एक ऑप्शन दे रखा है हमें, एक ऑप्शन में हमें लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल शब्द का एक अक्षर।
हाँ तो प्रिंसिपल शब्द में हमको ही सारे वर्ड्स देखने को मिलते हैं, मतलब पहले का क्या हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा फर्स्ट का डी। समझ में आ गई बात, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। फिर जीरो लिखा है, जीरो मतलब कुछ है ही नहीं अंदर, तो जरा सोच के देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक, अच्छा सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन देखते हैं, एक धन पूर्णांक है 18 का भाजक है, एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है, ठीक है। दूसरा एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू जीरो है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो है। तीसरा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला तो हमें मिल गया। जरा सोच के देखिए, जब किसी एक चीज में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा क्या आंसर? जब किसी चीज में 1 जोड़ेंगे तो आंसर तो 1 से बड़ा आएगा, है ना। तो मतलब कि यहां पर कोई भी एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए इस वाले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, जीरो आएगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ आ ही नहीं पाएगा ना। जीरो, एक पूर्णांक हम जीरो लेंगे तो जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक आएगा, उसके बाद 1 लेंगे, है ना, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। डेफिनेशन फिट नहीं बैठ रही ना ये वाली, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर जीरो ही एक ऐसा पूर्णांक है जो कि इस परिभाषा पे फिट बैठ रहा है। अच्छा उसके बाद फिर थर्ड वाले के लिए चेक करते हैं, 18 का भाजक है धन पूर्णांक, बिल्कुल 18 के भाजक, एक 18 का भाजक है, 2, 3, 6, 9, 18 सबके सब 18 के भाजक है, बिल्कुल सही है, तो ये ए पर चला जाएगा। और उसके बाद है डी, एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक्स की जगह 3 रखो तो 3 स्क्वायर माइनस 9 कितना आएगा, 9 माइनस 9 0 आ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस परिभाषा पे। और माइनस 3 रख के देखो तो माइनस 3 रख के क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, मतलब 9 माइनस 9 ये भी 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब ये 3 और माइनस 3 इस परिभाषा पे बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये वाला इस बी पर जाएगा। देख लीजिए आप, फोर्थ वाला गया, लेट मी चेंज द कलर, इस तरीके से चारों आपको दिख गए अलग अलग, ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा 4D, सेकंड का हो जाएगा C, थर्ड का हो जाएगा A, फोर्थ का हो जाएगा B। नोट डाउन कीजिए इनको, नोट डाउन कीजिए, ये हमारे आंसर है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।